देश और विदेश में कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत फैलानी आरंभ कर दी है। ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल अभी हिमाचल में ओमिक्रॉन ने दस्तक नहीं दी है, वहीं सोलन जिला का स्वास्थ्य विभाग भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लोगों को कोरोना नियमों के प्रति फिर से जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के मामले भी जिला में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक सोलन में 80 मामले कोरोना पॉजिटिव के हैं। पिछले कल कोई भी मामला कोरोना संक्रमण का नहीं आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने स्थिति को सामान्य बताया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने कहा कि अभी जिला सोलन में 80 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें से अभी तक केवल एक संक्रमित रोगी ही हॉस्पिटल में भर्ती है, बाकी सभी की स्थिति सामान्य है और सभी अपने घरों में आइसोलेट है। उन्होंने कहा कि उन पर भी विभाग पैनी नजर रखे हुए है, समय समय पर उनकी विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए विभाग पूर्ण रूप से तैयार है, किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही है। जिला सोलन में करीबन 800 बेड कोरोना रोगियों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन भी भारी संख्या में विभिन्न स्थानों पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि अभी ओमिक्रॉन के टेस्ट हिमाचल में नहीं हो रहे हैं, उनके टेस्ट केवल मुंबई और दिल्ली में होते हैं। कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, अभी हमारे टोटल एक्टिव केस 80 हैं और उसमें से सिर्फ एक हॉस्पिटलाइज है, बाकी सारे के सारे पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में हैं और स्टेबल हैं। विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, MMU में 100 ऑक्सीजन बेड बना दिए हैं, DCHC काठा में ऑक्सीजन बेड हमने बना दिए हैं और पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 800 के करीब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। ओमिक्रॉन के टेस्ट यहाँ नहीं होते, ओमिक्रॉन की जीनोमिक स्टडी होती है, जिसके CRI कसौली के थ्रू आगे लैब में जाते हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।